इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। कल इसके बारे में मैंने कुछ बताया, कुछ मेथड बताया, सूत्र बताए, उससे आगे जो भी होगा आप खुद देखिए। हमने बताया कोस तक का, कोस साइन इनवर्स एक्स को पांच त्रिकोणमितीय जो इनवर्स होते हैं उनमें बदलना, और कोस इनवर्स एक्स से बाकी के जो पांच त्रिकोणमितीय इनवर्स होते हैं उनमें बदलना, उनके पांच ज्ञात करना। बताया गया कि आपका 11वीं क्लास में या 10वीं क्लास में आपने पढ़ा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, और अब आपने यहाँ पर इनवर्स आया, इनवर्स क्या होता है, कैसा होता है, आपको सब बताया गया। अब उसको आप आगे देखें, ये अब हमें tan इनवर्स x, इसको बाकी के जो पांच इनवर्स फलन है उनमें मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ये आप एक त्रिभुज बनाए, ये त्रिभुज बना आपका, मैंने बताया x है तो इसको x बटे 1 लिखें, x बाय 1। इसके बाद अब आपका x बाय 1 इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज ये मानक थीटा a b और c a b c, इसलिए अगर इस त्रिभुज देखें tan थीटा, tan थीटा किसके बराबर होता है, पढ़ेंगे थीटा में लिखेंगे इनवर्स, तो tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो ये बन जाएगा x बटे 1, x बटे 1 x by 1। अब जब x by 1 आया तो समकोण त्रिभुज का नियम लगा करके हम इसकी पूर्ति करेंगे, जो हमारे पास कर्ण है इसको कंप्लीट करेंगे। कैसे, आपको बताएगा AC का वर्ग बराबर होता है AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग। अब AC का वर्ग, AC मुझे ज्ञात करना है, AB मेरे पास है, तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग, 1 का वर्ग और प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ AC बना आपका, AC बना अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, ये आपका AC बना। अब जब AC आया ये बन गया हमारे पास AC 1 प्लस x स्क्वायर। समकोण त्रिभुज की सभी भुजाएं की जो लंबाई आई थी वहां हमारी पूरी हुई। आप इसकी सहायता से बाकी के जो पांच इनवर्स हैं उनको हम ज्ञात करेंगे। कैसे, देखिएगा tan इनवर्स x हमारे पास है, सबसे पहले लिखें cot इनवर्स, पढ़ें cot थीटा, cot थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब में हो 1 बाई x, पढ़ा हमने थीटा लेकिन लिखा इनवर्स, तो यहां से बना cot इनवर्स 1 बाई एक्स, ये बना। इसके बाद इसकी पूर्ति करेंगे आगे। अब tan इनवर्स से मैं साइन इनवर्स से बदलना चाहता हूं इसको, tan इनवर्स का मान है तो साइन इनवर्स का मान हमें लाना है। कैसे, देखिएगा अब आप इस त्रिभुज में पढ़े, क्योंकि त्रिभुज की पूर्ति की गई है वो tan के नियम से की गई है। अब इसमें साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, पढ़ा हमने साइन थीटा और लिखा हमने इनवर्स, तो लिखा साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बना हमारा। अब कोसेक इनवर्स एक्स देखें, कोसेक इनवर्स पढ़ेंगे आप कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब हमने पढ़ा कोसेक थीटा और लिखा कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स ये बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। बन गया कोसेक इनवर्स कर्ण बटे लंब। अब मेरे पास टेन इनवर्स से कोट इनवर्स एक्स का मान निकल कर आया,
साइन इनवर्स का भी आया और कोसेक इनवर्स का भी आया। अब बचा कोस इनवर्स में और सेक इनवर्स में, देखिए अब कोस इनवर्स में क्या मान होगा इसका, पढ़ेंगे कोस थीटा। इस त्रिभुज में कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, पढ़ा हमने कोस थीटा और लिखा हमने इनवर्स, तो कोस इनवर्स वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर ये लिखा गया। अब सेक इनवर्स पे देखे हम, सेक इनवर्स पर आएगा सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, आधार वन है तो नहीं लिखा जाएगा, इसको लिखते हैं सेक इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अभी आ गया आपका यहां पर सेक इनवर्स, मतलब टेन इनवर्स से आपको कोट इनवर्स, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कोस इनवर्स और सेक इनवर्स जो भी मान ज्ञात करने हैं वो सब आपके यहां पर आ जाएंगे। अब हमें मान ज्ञात करने से टेन इनवर्स से क्या है, त्रिभुज हमने पूरा किया, अब हम लिखेंगे कोट इनवर्स, कोट इनवर्स एक्स। अब कोट इनवर्स एक्स से मुझे बाकी के पांच मान ज्ञात करने, देखिए इसका भी एक त्रिभुज बनाएंगे हम, ये बनाया यहां पे एक त्रिभुज, ये बनाया। अभी जो कोट इनवर्स एक्स है इसको एक्स बाई वन लिखा हमने, एक्स बाई वन यहां से लिखा, अब आप देखेंगे कोस थीटा पे ये थीटा ए बी और सी, अब आपको पता है किसी भी त्रिभुज में कोस थीटा का मान क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार बटे लंब, तो एक्स बाई वन तो हमारे पास ही, एक्स बाई वन मतलब आधार बटे लंब, तो एक्स बाई वन ये बन गया आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है, कोस थीटा आधार बटे लंब, एक्स बाई वन का एक्स और वन। अब समकोण त्रिभुज का नियम लगा करके हमने इस जो त्रिभुज का कर्ण है इसकी पूर्ति करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे कैसे, देखिए आप AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग, AB का वर्ग आपका एक्स स्क्वायर और BC का वर्ग वन स्क्वायर, ये बना AC का वर्ग, तो AC बना हमारे पास रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया आपका। जैसे हमने इसको पूरा किया था इसी तरह से कोट इनवर्स एक्स को पूरा करेंगे हम। अब कोट इनवर्स एक्स से हम पहले टेन इनवर्स एक्स का मान निकालेंगे, अगर कोट इनवर्स एक्स में मान दिया गया है और उसमें टेन इनवर्स का मान निकालना है, जैसे देखिएगा कोट इनवर्स एक्स, अब टेन इनवर्स देखिए टेन थीटा होता है जिसे पीछे बताया गया, पढ़ेंगे थीटा और लिखेंगे इनवर्स टेन थीटा, अगर लंब बटे आधार पढ़ा हमने टेन थीटा लेकिन लिखा हमने इनवर्स, तो लिखा टेन इनवर्स वन बाई एक्स, ये लिखा गया। अब इससे हम बाकी आगे साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स के मान ज्ञात करेंगे। अब देखिएगा यहां से बना साइन इनवर्स, पढ़ा हमने साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण और लिखा हमने इनवर्स, तो बना साइन इनवर्स वन वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, यह इससे आप देखिए ये साइन इनवर्स का मान आया। अब कोसेक इनवर्स पढ़ा हमने कोस थीटा क्या होता है, सॉरी कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, पढ़ा हमने कोसेक थीटा और लिखा हमने कोसेक इनवर्स, तो कोसेक इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और जो इसके नीचे
वन आएगा, नीचे का वन लिखा नहीं जाता आपको पीछे पहले बताया गया। अब साइन इनवर्स का मान निकला, कोसेक इनवर्स का भी मान निकला, अब निकालेंगे हम कोस इनवर्स। अब देखिए लिखा कोस इनवर्स, यहाँ पे हमने पढ़ा कोस थीटा, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार ये और कर्ण ये, लिखा हमने कोस इनवर्स, पढ़ा हमने कोस थीटा, तो एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर ये बना आपका। और फिर सेक इनवर्स, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, पढ़ा हमने सेक थीटा और लिखा हमने इनवर्स, तो लिखा सेक इनवर्स, सेक इनवर्स कर्ण बटे आधार, तो रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और बराबर। ये हमारे को देखिए 1 2 3 4 5 6 सिक्स पार्ट कंप्लीट हुए। जैसे त्रिकोणमिति में बताया गया 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, तो उसी तरह से यहां पर भी 6 पार्ट ही होते हैं, ये निकले। अब हमने साइन इनवर्स का मान निकाला, कोस इनवर्स का निकाले, टेन इनवर्स निकाला, कोट इनवर्स निकाला, अब बचते हैं हमारे पास सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। अब देखिए वे कैसे निकलेंगे, इसको हम रफ कर दे आप फिर अब आप उस पर ध्यान दें, लेकिन उससे पहले ये सब चीज भी आपको ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। ये देखा आप देखिएगा sec इनवर्स, sec इनवर्स x और एक है आपका cosec इनवर्स x, ये मान याद करने हैं। sec इनवर्स x क्या होगा, ये त्रिभुज बनाया आपने इसका, ये बना त्रिभुज और एक त्रिभुज बना लिया यहां पर इसका, यहां पर ये थीटा और यहां ए बी सी पी क्यू आर। अब यहां पर एक्स बाई वन ये बना और यहां पर बना एक्स बटे वन, देखा सेक थीटा, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो सेक थीटा है एक्स बाई वन, तो एक्स बाई वन। यहां पर कोसेक थीटा होता है कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, ये बन गया कर्ण बटे लंब, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुज में जो भुजा बची है उसका मान ज्ञात करेंगे। देखें यहां पर AC का वर्ग, संपूर्ण त्रिभुज का निर्मूल है, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग। ए बी का वर्ग जो माना लिख दें, ए सी का वर्ग है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वन का वर्ग और प्लस बी सी का वर्ग, बी सी हमें क्या करना, तो बी सी का वर्ग बना आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन और बी सी बन गया यहां से हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये बना रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये बी सी। इसी तरह से आप यहां पर आए पी क्यू हमें ज्ञात करना, संपूर्ण त्रिभुज का नियम लगाए, पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस आर क्यू का वर्ग, ये बना जो माइनस मान को रख दे पी क्यू आ जाएगा, पी आर मतलब एक्स का वर्ग बना, पी क्यू याद करना है पी आर क्यू वन, तो यहां पर आप पी क्यू आपका आएगा, पी क्यू का वर्ग बना आपका एक्स स्क्वायर और माइनस वन, तो पी क्यू बन गया आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये बन गया। अब देखिए आप ये मान आया यहां पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये बन गया।
दोनों त्रिभुज हमने पूरे किए। अब यहां से इनके जो बचे हुए मान है उन मानों को निकालेंगे। देखिए sec इनवर्स x से मैं cos इनवर्स x का मान ज्ञात करूंगा। cos इनवर्स x का मान इस त्रिभुज से आएगा। कैसे पढ़े हम cos थीटा और लिखें cos इनवर्स। cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। पढ़ा हमने आधार बटे कर्ण और लिखा हमने cos इनवर्स। तो cos इनवर्स इक्वल 1/x बराबर। हम साइन इनवर्स का मान निकालेंगे। इस त्रिभुज में पढ़ा हमने साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। पढ़ा हमने साइन थीटा और लिखा हमने इनवर्स। तो ये बना आपका साइन इनवर्स इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो लिखा लंब बटे कर्ण लेकिन यहां लिखा हमने साइन थीटा नहीं साइन इनवर्स। लंब बटे कर्ण लिखा। अब कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स देखिए हम पढ़ेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। पढ़ा हमने कोसेक थीटा और लिखा हमने कोसेक इनवर्स। तो कोसेक इनवर्स x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन ये बना। अब हमारे पास tan इनवर्स और cot इनवर्स बचे। अब देखिए tan इनवर्स क्या आएगा। देखिए यहां से tan इनवर्स हमने पढ़ा है त्रिभुज tan थीटा लंब बटे आधार। आधार वन है तो नहीं लिखेंगे। तो ये बना tan इनवर्स। पढ़ा हमने tan थीटा लेकिन लिखा हमने tan इनवर्स। तो tan इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन ये बना बराबर cot इनवर्स का मान। देखिए cot इनवर्स क्या होगा? cot थीटा पढ़े। cot थीटा आधार बटे लंब। पढ़ा हमने आधार बटे लंब और लिखा हमने cot इनवर्स। तो cot इनवर्स वन अपॉन रूट वन एक्स स्क्वायर माइनस वन ये लिखा गया। इसी तरह से हम कोसेक इनवर्स पर आएंगे। कोसेक इनवर्स एक्स का इस त्रिभुज से हमने यहां पर सब जो भी चीज की हमें जरूरत थी उस चीज को लिखा पूर्ति की। समकोण त्रिभुज का नियम लगा करके त्रिभुज में सभी मान हमारे पास सभी भुजाओं के मान है। अब कोसेक इनवर्स एक्स से पहले में साइन इनवर्स एक्स का मान निकालूंगा। साइन इनवर्स क्या बनेगा? देखिए इस त्रिभुज साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। पढ़ा हमने साइन थीटा और लिखा हमने साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स वन बाई एक्स बराबर कोस इनवर्स। हम पढ़ेंगे कोस थीटा लिखेंगे कोस इनवर्स। तो कोस इनवर्स होता है कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। पढ़ा हमने cos थीटा और लिखा हमने cos इनवर्स। cos इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। और अब sec इनवर्स देखिए sec थीटा होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार और लिखेंगे हम sec इनवर्स। तो लिखा sec इनवर्स x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन ये बना आपका। अब आ रहे हैं इस पे साइन इनवर्स कोस इनवर्स sec इनवर्स आगे वन। अब निकाल लें tan इनवर्स और cot इनवर्स। तो आइएगा tan इनवर्स हमने इस त्रिभुज में पढ़ा tan थीटा। tan थीटा होता लंब बटे आधार और लिखा इनवर्स। तो tan इनवर्स वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर cot इनवर्स आएगा। cot थीटा होता है आधार बटे लंब। पढ़ा हमने cot थीटा और लिखा हमने cot इनवर्स। तो cot इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन
आधार बटे वन और नीचे का वन लिखा नहीं आता। इस तरह से त्रिकोणमिति में इनवर्स में साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, इनके जो भी मान दिए गए हैं और इससे हमें अगर इनवर्स के मान ज्ञात करने हैं तो इस तरह से आप इनवर्स के मान निकालेंगे। और आपको सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको समझने की जरूरत पड़ेगी। सूत्र तो देखें, एक के छह बने तो 36 बने, 36 सूत्र कहां तक याद रखोगे, उसमें गलती होगी। लेकिन समझना शुरू से पड़ता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो आपका हल हो जाएगा, ठीक है। अब आप आगे देखें, आप लिखा है कि यहां पर साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये होगा साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स माइनस एक्स होगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये भी होता है और ये पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स भी होता है। दोनों याद होने चाहिए, जिसकी हमें जरूरत पड़े अधिकतर हम 16 इसको यूज करेंगे, लेकिन कहीं कहीं हमारे पास इसका प्रयोग किया जाता है तब हम इसका प्रयोग करके आपसे मान निकालते हैं। अब कोस है इनवर्स, ठीक है, कोस है इनवर्स माइनस है, तो ये होगा आपका माइनस कोस है इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस sec इनवर्स x, और cot इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cot इनवर्स x, ये आपको जो आपको याद रखने होंगे। इसके बाद कुछ और सूत्र, ठीक है, क्वेश्चन करते वक्त बेटा जब प्रैक्टिस करते हैं तो सब चीज याद हो जाती है, ऐसे तो जैसे मैंने लिखे हैं याद करने, क्योंकि आपको इस तरह से याद नहीं करने, आपको क्वेश्चन करने और क्वेश्चन के साथ साथ ये प्रैक्टिस करनी है तो खुद ही याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखा डी पार्ट में क्वेश्चन करेंगे, पता लग जाएगा कैसे कैसे याद होंगे। डी पार्ट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर किसके होगा सूत्र है, ये होगा साइन इनवर्स x रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र याद होना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा आपका। अब आ जाए कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर कोस इनवर्स
एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और रूट वन माइनस वाई स्क्वायर और कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई बराबर कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों में ये बातें देखें आप जब साइन वर्स एक्स था तो यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है माइनस आएगा, प्लस है माइनस आएगा, माइनस है प्लस आएगा, बाकी चीज की तरफ बात करेंगे। इसमें कुछ बच्चे हैं जी एक है।